हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रहनास वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिल्क पाउडर सौंदेश। अगर आपको मीठा खाने का दिल कर रहा हो तो कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ इस सौंदेश को घर पे इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और ये इंग्रेडिएंट हर घर पे अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 कप रो मिल्क, 1/2 कप कोकोनट। कोकोनट को मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। फिर मैं ले रही हूँ 2 पिंच सेफ्रॉन। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कढ़ाई और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और साथ ही साथ लो फ्लेम पे बॉइल कर लूंगी ताकि शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 2 पिंच येलो फूड कलर। आप चाहो तो फूड कलर को स्किप कर सकते हो। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी एंड लो फ्लेम पे पका लूंगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फ्लेम को लो रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई करोगे तो मिक्सचर जो है वो नीचे से चिपक जाएंगी एंड सौंदेश जो है वो खराब हो सकती है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए फिर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी एंड साथ ही साथ पका लूंगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को लगातार मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। और मिक्स करते करते आप देख पाओगे ये ठीक होना स्टार्ट हो गई है। जब ये ठीक हो जाए तब समझ लीजिए ये प्रिपेयर हो चुकी है और गर्मा गर्म एक मोल में ट्रांसफर कर लीजिए। मैंने मोल को पहले से बटर पेपर लगा के ऑयल ब्रश कर लिया है। अब मैं मिक्सचर को मोल पे ट्रांसफर कर लूंगी और एक स्पेचुला की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी। आप चाहो तो स्पून भी यूज कर सकते हो। इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं सेफ्रन को ऊपर से स्प्रिंकल कर लूंगी। आप चाहो तो पिस्ता एंड आलमंड भी यूज कर सकते हो। इससे इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाएगी एंड देखने में भी खूबसूरत लगेगा। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज पे 2 आवर के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 2 आवर के बाद ये अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसको अनमोल कर लूंगी एंड बेकिंग पेपर को रिमूव कर लूंगी। अब मैं इसको कट कर लूंगी स्क्वायर शेप में। आप आपके पसंद का कोई भी शेप से कट कर सकते हो। इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको सर्व कर लूंगी। लीजिए, मजेदार सी मिल्क पाउडर सौंदेश रेडी हो गई है। जरूर से एक बार घर पे ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड लिटिल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।